क्या नाम है ये ग्रूव होते हैं, इसके साथ हमारे रिब्स आ चुकी है। ये हमारे पास ऑब्लिक फिशर है, ये इंफीरियर से भी स्टार्ट होता है और ये हस्बुल्ला से 2.4 सेंटीमीटर इंफीरियर से। इसके बाद ये हमारे पास लंग रूट है, इससे पहले मीडियल थोड़ा सा पहले इसमें हमारे पास होता है हाइलम। ये लंग रूट है, यहाँ से ब्रोंकस आर्टरीज पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन वो सारी यहाँ पास करती है, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे पास कार्डियक नॉच है, ठीक है, उसके नीचे। इसके बाद ये क्या है, ये क्या है, ये जहाँ पे हमारे पास वो कौन सी आर्टरी सब क्लेमिन आर्टरी, ये नीचे होता है, यहाँ पे हमारे सब क्लेमिन आर्टरी जो होती है वो पास होती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो एंडोथोरेसिक फेशिया होता है, एंडोथोरेसिक फेशिया बिल्कुल इसके ऊपर कवरिंग में होता है, वो जब इस फिशर के अंदर जाता है फिर यहाँ से निकल के दोबारा इसी कंटिन्यूशन के ऊपर आ जाता है। तो इसके अंदर ये जो जगह है ये वाइटिश है, इसको हम बोलते हैं एंडोथोरेसिक फेशिया। ये हमारा पैराइटल पैलूरा है और इससे नीचे हमारे पास विसरल पैलूरा होगा। एनाटॉमिकल पोजीशन ये है और ये लेफ्ट लंग है।